ये है कॉस्मिक बाइट ब्लेड्स और ये हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक और मैग्नेटिक ट्रिगर्स के साथ आने वाला सबसे सस्ता कंट्रोलर है। और ये है कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस जिसका प्राइस है 3500 रुपीज़। और ये भी मैग्नेटिक ट्रिगर्स और हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक के साथ आने वाला एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये आजकल स्टॉक में ही नहीं है। तो अगर आप कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस के स्टॉक में आने का वेट नहीं करते हैं और कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स के साथ जाते हैं, तो कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस के ऐसे कौन से फीचर्स है जो कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स में आपको नहीं मिलेंगे, चलिए पता लगाते हैं। ये वीडियो कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स का डिटेल्ड रिव्यू नहीं है, इस कंट्रोलर को बस मैं 2-3 दिन से ही यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वीडियो इस कंट्रोलर के इनिशियल इम्प्रेशंस पे बेस्ड है। तो ये दोनों कंट्रोलर्स के डिफरेंसेस को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो दोनों कंट्रोलर्स की बिल्ड क्वालिटी सिमिलर है और दोनों कंट्रोलर्स के अंदर हॉल इफेक्ट, एनालॉग स्टिक्स और मैग्नेटिक ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं। और एनालॉग्स की और ट्रिगर्स की क्वालिटी भी दोनों की सिमिलर है। और दोनों कंट्रोलर्स में टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और दोनों कंट्रोलर्स का वाइब्रेशन फीडबैक सिमिलर है। और सिमिलैरिटीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और डिफरेंसेस की बात करूँ तो पहला डिफरेंस नोटिस होता है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में, जहाँ पे कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस एक प्रीमियम पैकेजिंग में आता है, कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स की पैकेजिंग काफ़ी बेसिक है। कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस का वेट है 279 ग्राम्स और कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स का वेट है 186 ग्राम्स। तो ज़्यादा वेट की वजह से कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है लाइट्स में। कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस में 2 RGB रिंग्स मिलती है एनालॉग स्टिक्स के पास और एक्शन बटन्स भी बैकलेट है। कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स में ये दोनों चीज़ें मिसिंग है। बम्पर्स और ट्रिगर्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस के बम्पर्स और ट्रिगर्स में कोई टेक्सचर नहीं है, लेकिन ब्लिट्स में टेक्सचर्ड बम्पर्स और ट्रिगर्स मिलते हैं। कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स के बम्पर्स मशी है और कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस में क्लिकी बम्पर बटन मिलते हैं। तो बम्पर्स और ट्रिगर्स के मामले में कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस से बेटर है। और बटन्स की बात करें तो स्टेलारिस में 8-way D-pad मिलता है, ब्लिट्स में 4-way D-pad मिलता है। कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स का होम बटन स्टेलारिस से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एक्शन बटन स्लाइटली छोटे हैं। जहाँ कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस में वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ और रिसीवर दोनों मिलता है, कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स में ब्लूटूथ मिसिंग है। यहाँ पे सिर्फ रिसीवर का ऑप्शन देखने को मिलता है। और जहाँ तक वायर्ड कनेक्शन की बात है, दोनों ही कंट्रोलर्स को आप केबल लगा के भी यूज़ कर सकते हो। और सपोर्टेड डिवाइसेस की बात करूँ तो कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस PC में, एंड्रॉयड में, iOS में और निंटेंडो स्विच में कंपैटिबल है, लेकिन कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स सिर्फ PC में और एंड्रॉयड में काम करता है। तो अभी बात करते हैं उन फीचर्स की जो कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस में मिलते हैं लेकिन कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स में मिसिंग है। कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स में ट्रिगर लॉक्स और मैक्रो बटन्स नहीं मिलते हैं, हेडफोन जैक भी मिसिंग है और कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स के थंबस्टिक्स भी रिप्लेसेबल नहीं है। वैसे हेडफोन जैक कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस में मिलता तो है, लेकिन PC गेमिंग में ये काम नहीं करता है, तो ये हेडफोन जैक का डिफरेंस इतना रिलेवेंट नहीं है। और कॉस्मिक बाइट स्टेलारिस में 2 यूजफुल फीचर्स मिलते हैं, बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर और क्विक पावर ऑफ, और ये दोनों ही फीचर्स कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स में मिसिंग है। तो दोनों कंट्रोलर्स के बीच में 1500 रुपये का डिफरेंस है। और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूँ तो स्टेलारिस में आपको ट्रिगर लॉक्स, मैक्रो बटन्स, iOS कनेक्टिविटी, बड़ी बैटरी, RGB लाइट्स और ओवरऑल एक ज़्यादा प्रीमियम कंट्रोलर मिलता है। तो अभी आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि ये सारे फीचर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात है कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स की, तो इसके अंदर आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं विद गुड बिल्ड क्वालिटी, और हॉल इफेक्ट, एनालॉग्स और मैग्नेटिक ट्रिगर्स तो है ही, वो भी काफ़ी कम प्राइस पे। तो इस कंट्रोलर के साथ भी आप जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।